आई एम टेकिंग योर पॉइंट। पैनल में सारे लोग बोल चुके, अब जनता की बारी, जनता ही बोलेगी। सारे लोग बोल चुके कांग्रेस का इसके बाद नंबर है। लेकिन 2013 में यही विष की बात एक बार और आई थी, आपको शायद नहीं ध्यान आया होगा। 2013 में बात कही गई थी, राहुल जी ने कहा था तब कि रात में मेरी माँ मेरे पास आई और उन्होंने कंधे पे मेरे हाथ रखा, तो मैंने कहा कि राजनीति जो है वो जहर है। 2013 में भी याद आ गया तुम्हें? अरे गजब आदमी है यार तुम, था क्या नाम तुम्हारा? अमरीश चंद। काम क्या करते हो? हाँ मार्केटिंग वाला आदमी याद रखता है वो, क्योंकि वो सब सारे हिसाब किताब रखता, तो मार्केटिंग का आदमी तो ध्यान रखता। 2013 में भी ये बात कही गई थी, लेकिन तब उन्होंने किसी संदर्भ में कही थी ये बात। जी बोलिए, मैं आया इधर से, किसने हाथ उठाया था सर? जी मैं आया। जी नहीं, ये वक्त अभी आया था और पेपर में हेडलाइन भी आई थी। हाँ मुझे बिल्कुल ठीक याद है आपने। जी बोलिए साहब। सर इनसे पूछना, आरक्षण लागू क्यों हुआ था ये बता सकते हैं? आरक्षण लागू क्यों हुआ था? हर बार कहते बीजेपी खत्म करना चाहती, बीजेपी खत्म करे, आरक्षण लागू क्यों हुआ था ये बताएं जरा। सामाजिक समरसता क्यों कहा थी? खराब थी। हाँ? कौन खराब कर रहा था? कई लोग, कई जैसे कि ब्राह्मणवाद। हाँ राहुल गांधी कौन है? जनदानी ब्राह्मण, तो इनको पहले खत्म करना चाहिए। किसको? राहुल गांधी को। आरक्षण तो उन्होंने ही खत्म करा, ब्राह्मणवाद की वजह से आरक्षण आया था। आरक्षण तो इसी वजह से लाया। भाई देखो देखो, राहुल राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी ने जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने जाति की बात नहीं करी, उन्होंने कहा मैं अपनी जाति नहीं बताऊंगा। जी नहीं बिल्कुल देखिए साहब, किसी पे आक्षेप ना करिए आप। जी अरे मैंने पॉलिटिकल पार्टी के अरे हुजूर, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे बात नहीं कही, आपने कुछ और बात कही उस पर मैंने किया। जी जनाब आपका जायबिल की चांस। अत्रे साहब देखिए, बहुत ही दुखद है कि ये बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता के लोग यहाँ पे आकर के इस तरह की बात करते हैं और आपके चैनल पे उनको बोलने की छूट दी जाती है। राहुल गांधी सुन लीजिए, सुनो देखो बात सुन लो, कोई बात है क्या हो गया क्या? हिंदू विचारधारा की मानसिकता है आपकी, क्या विचारधारा कांग्रेस की? बेपहले के लौटे राज्यसभा ले रहे हैं भाई, और दरी बिचारा बीजेपी का कार्यकर्ता। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट बराबर एक मिनट शांत। जी देखिए, आज जो खड़गे जी ने जो मुद्दा उसी बयान दिया है, मैं उसी मुद्दे पे भाई। देखिए हो गया बात, अब खत्म हो गई बात, मुद्दे पे आने दो। तुम यहाँ पे ना तो कुछ देखो ना कुछ सुनो, ये अच्छी बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। एक भी अभी तक ढंग की बात नहीं हो पाई जो मैं तुम्हें बताऊं। क्यों तुम अपनी यह वाली बात याद रखना, सांप की बात हो रही है, नेवले की बात हो रही है, ऐसा है ना, बूढ़े तोते नहीं सिखाए जाते हैं। देखिए जो घोषित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खड़े हैं, उनका तो सामने से मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तकलीफ इस बात की होती है जो खड़गे जी ने कहा है कि आज हमारी देश की जनता के मन में भी इस तरह से जहर घोल दिया गया है कि आज उनके मन में आज मुद्दे नहीं है। जो ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जनता का ध्यान भटका दो, मुद्दे से हटा दो, महंगाई से भटका दो उनको, बेरोजगारी का सवाल जो वायदा किया था उस पर सवाल नहीं करें, आज सवाल पूछ रहे राहुल गांधी की जाति का। राहुल गांधी की जाति वो है जिसने अपने पिता के टुकड़े जो है 20 टुकड़ों में अपने पिता का शव देखा, शहादत होते देखा। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी दादी की छाती में 36 गोलियां लगी हुई देखी, बावजूद उसके आज इस देश की सेवा करने के लिए वो है। तो उनकी जाति इस देश की देशभक्ति की जाति है, उस परिवार की देशभक्ति की जाति है, देश सेवा करने की जाति है। मेरा आग्रह आप सभी से है कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं। लो मैं 10 सेकंड का, मैं आपको 1 सेकंड नहीं दूंगा। एक बार रुको, चूरन का तुमको मैं वार्निंग, सुनो तुमको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं बोलोगे तुम। जी बोलिए। देखिए कभी कांग्रेस की सरकार, भाई क्या क्या तुम्हें दिक्कत है सर? दादी को गोलियों की बात कर रहा है भाई। भाई तुम्हें या तो मैं थाने में कंप्लेन कर दूं तुम्हारी तभी तुम मानोगे, और या तो चुपचाप खड़े रहोगे। इतने बड़े आदमी नहीं हो तुम, चुपचाप खड़े रहो। देखिए मैं प्रतीक जी, आज बहुत दुख हुआ मुझे आपके शो में इतनी बार, मैं माफी चाहता हूँ, कभी दुख नहीं हुआ भाई। ये क्या है तुम्हें, बोलने दो यार कांग्रेस को आदमी को, क्या करते हो बार बार पसीना आ जाता है, हमें तो लगता ही नहीं हो तुम यहाँ। जो खड़गे जी ने जो कहा है, निश्चित तौर पे आज यहाँ पे कुछ एक दो चार जो
खड़े हैं, जिन लोगों ने विषैली बात कर रहे हैं, जो समाज में विष घोलने का काम, एक सेकंड रुका, मैं रुक गया, लो 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 लो, यही बात, एक मिनट रुको, नहीं कर सकते सर, जनता को विषैला कहेंगे, ये जनता को, भाई भाई ऋषभ ऋषभ एक मिनट, नहीं ऋषभ लेट हिम स्पीक, ऋषभ लेट हिम स्पीक, अपने समय ऋषभ लेट हिम स्पीक, नहीं अभी इधर आ, नहीं ऋषभ दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, ऋषभ सर आप इधर आ, मेरे पास आ, ऋषभ दिस इज नॉट द वे, लो ऋषभ 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 तुम क्या कर रहे हो, नाइन एट सेवन वन टू जीरो फाइव डबल एट थ्री, 9871205883 ये नंबर है, जिसमें एक माँ अपने बच्चे के लिए, माँ एक माँ अपने बच्चे, ऋषभ ऋषभ इससे चुनाव, ऋषभ 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 यू आर डिस्टर्बिंग, 9871205883 ये नंबर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट माँ जिसने अपनी नौकरी छोड़ी अपने 18 महीने के बच्चे के लिए, लगातार फंड रेज कर रही है, क्योंकि उसका बच्चा जो समाज का हिस्सा भी है, वो हिस्सा कलेक्ट नहीं कर सकती, 14.5 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन है, 14.5 करोड़ का मसल डिस्ट्रॉफी से वो परेशान, इसलिए वो आती है, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हो रहा है और रोज आके खड़ी होती है, मुझे तो नहीं समझ में आता वो चुपचाप, मैंने इनसे कभी सवाल नहीं पूछा कि आप जो यहाँ पे होता है उसको देखती भी हैं, बोली मैं देखती नहीं हूँ प्रतीक जी, क्योंकि मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपने काम में फोकस्ड हूँ, मुझे जो करना है मैं उस काम के लिए आती हूँ और मैं वही काम करके चुपचाप चली जाती हूँ, उसकी अंतरात्मा क्या कहती होगी और कितनी बार जार जार वो रोती होगी इसका सहज अंदाज मैं देखता हूँ, कभी नहीं कुछ करती हैं, चुपचाप खड़ी रहती हैं, प्लीज़ मैं सबसे बहुत बहुत विनती करता हूँ कि वो जगह है जहाँ पे हमको धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए और किसी नहीं दूंगा, किसी को जवाब देने के लिए तरीका वही है कि जवाब ही दिया जाता है और बहुत बहुत विनम्रता के साथ। नौ अत्र जी, देखिए प्रतीक जी, मैं अभी बात कर रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनकी शैली है और जो जिस तरह की खड़गे जी ने कहा विशैली बातें करते हैं, उसी बात पे मैं आना चाहता हूँ। क्या कभी 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, उससे पहले भी शासन रहा, इस तरह की जनता के बीच में से कभी आवाज आई, कभी भेदभाव की बातें आई, इस तरह की जनता में एक प्यार मोहब्बत का माहौल था, जनता में प्यार भाईचारे का माहौल था, जो भाईचारा आज इन लोगों ने खत्म कर दिया है। आप लोग विषय से मत भटकिए, विषय से मत भटकिए, ये जो चाहते हैं उस पे जनता ट्रैप मत हुई। देखिए आज समय आ गया जनता को सरकार से सवाल पूछने का, जनता को सरकार से सवाल पूछने का समय है। 10 साल से ऊपर हो गया, जो वायदे किए थे, जिन्होंने जो महंगाई खत्म करने की बात करी थी, जो देश में भाईचारा हमारा खत्म हो रहा है, उस भाईचारे को क्यों नहीं हम कांग्रेस हमने तहजीब को आपस में चल राइट राइट राइट